आशा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठेकुआ, जो बिहार का काफ़ी प्रसिद्ध डिश है। ये इसको कभी भी आप बना सकते हैं, जैसे त्यौहार हो गया या शादी के समय, कहीं भी छठ पर, पूजा पर आप इसको कभी बना के खा सकते हैं। इसमें सामान पड़ेगा, ये सामान देख लीजिए, एक कप सूजी पड़ेगी इसमें, फिर एक कप मैदा पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा कसा हुआ नारियल सूखा, चीनी साबुत, या आप पीस कर भी डाल सकते हैं, वैसे साबुत ही पड़ता है इसमें, छोटी इलायची कुटी हुई, फिर देसी घी, इसमें एक चम्मच देसी घी डालूंगी, फिर इसको अच्छी तरह मिलाऊंगी सबको। सब सामान इसमें डाल दिया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, फिर पानी डाल के इसको गूंथना है, सख्त गूंथना है इसको। आटा थोड़ा टाइट गूंथ लिया है, अब इसमें से छोटा छोटा लोई लेकर इसको इसी शेप में बनाएंगे। आप जैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसी शेप में बनेगा। इसी तरह से बनेगा ये। देसी घी में बना रही हूँ, घी गर्म हो गया है, धीमी आंच पर इसको धीरे धीरे बनाना है। अब इसको धीमी आंच पर धीरे धीरे पलटते रहना है, ताकि ये अच्छी तरह हो जाए। अब ये अच्छी तरह सिक रहा है। ठेकुआ बनके तैयार हो गए हैं। इसको आप बिस्किट की तरह कितना दिन भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है और सेहत के लिए भी बहुत ही हेल्थी है। और आपको अगर पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।